आज का नया शहर किंगस्टन, छोटा सा शहर कनाडा का ओंटारियो में, और ये सबसे पुराना शहर कह लीजिए और कनाडा की पहली कैपिटल भी है। 1841 से 1844 तक ये कैपिटल रही और उसके बाद मॉन्ट्रियल और ओटावा बाद में कैपिटल बनी। ये शहर 1783 में फ्रेंच पब्लिक कॉलोनीज बनी और उसके बाद ब्रिटिशर ने इसको अपने कब्जे में लिया। ओंटारियो के लेक के ईस्टर्न एंड और रिवर सेंट लॉरेंस के ऊपर बसा हुआ ये शहर, छोटा सा शहर, बेहद प्यारा शहर, वाटर बॉडी से भरा हुआ, आइलैंड से भरा हुआ। ये शहर के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। आइए चलिए किंगस्टन। किंगस्टन के लिए अगर हम टोरंटो से चलें तो ओंटारियो लेक के बिल्कुल साथ साथ हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम ब्रैम्पटन से चल रहे हैं तो ये लगभग 3 घंटे का रास्ता है और लगभग 200 कुछ किलोमीटर का है। रास्ते में हमें टोरंटो, ओशवा और फिर हम किंगस्टन पहुंच जाते हैं। ये सेंट लीवर लॉरेंस के ऊपर है, जैसे कि इंग्लिश पीपल ने ये फ्रेंच से कॉलोनी ली और ये बॉर्डर है यूएसए का और कनाडा का, कनाडा की पहली कैपिटल। किंगस्टन एक छोटा सा शहर है, हेरिटेज है और इंग्लिश पीपल का यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल बनने से यहाँ पर कल्चर के अंदर, यहाँ पर एजुकेशन के अंदर और टूरिज्म के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा। यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट कुजिन्स मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर के साथ में कुजिन्स का एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये शहर हेरिटेज तो है ही पर इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ओंटारियो लेक के ऊपर है और सेंट लॉरेंस के रिवर के ऊपर होने के कारण यहाँ पर हब है एक ट्रांसपोर्टेशन का और एक कमर्शियल एक्ट। किसी भी शहर के अंदर ब्यूटी तभी आती है जब वाटर बॉडीज साथ में हों, और ओंटारियो लेक के ऊपर ये बसा शहर जहाँ पे वाटर गेम्स, स्पोर्ट्स पूरी तरह से दिखती हैं, यॉच हों, स्पीड बोट्स हों, क्रूज हो या अपनी पर्सनल बोट्स को लेते हुए फैमिली के साथ लोग घूमते नज़र आते हैं। यहाँ पर आइलैंड्स और उसके आसपास अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए एक शहर को और ब्यूटी कर देता है, क्योंकि ये समर्स हैं तो लोग काफ़ी बाहर आते हैं और एंजॉय करते हैं इस समर्स को। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सेंट लॉरेंस के रिवर के अंदर मोर देन 1800 आइलैंड्स हैं। हमने पिछली बारी 1000 आइलैंड क्रूज की बात की थी, वो वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है।
यहीं से वो ट्रिप शुरू होता है और लोग एंजॉय करते हैं पूरी नेचर को। शहर बहुत पुराना और यहाँ पर एक कल्चरल एक्टिविटी चलती ही रहती है। ये एक शहर, क्योंकि इंग्लिश पीपल ने इसे कैपिटल बनाया तो यहाँ पर इंग्लिश इफेक्ट काफ़ी नज़र आता है। यहाँ के गार्डन्स, बड़े बड़े पार्क्स, उसके अंदर लंदन के हाइडन पार्क जैसे कि एक इफेक्ट नज़र आता है। यहाँ के लोगों के घर, ओल्ड सिटी जो बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल की हैं, वो भी एक इफेक्ट नज़र आता है। पुराने मेंटेन्ड घर, उनके अंदर एक कामनेस, एक शांति जो है वो भी एक अपने आप में ब्यूटीफुल है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्यून यूनिवर्सिटी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो मोर देन 150 ईयर्स की है। यहाँ पे काफ़ी रिसर्च होती हैं और दुनिया भर के लोग, बच्चे यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिपार्टमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है और इस सिटी को पूरा एक ब्लेंडिंग में डाल दिया है, जहाँ पे ओल्ड एंड यंग दोनों ही इस सिटी को एक हेरिटेज की तरह बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर चर्चेस, यहाँ की बिल्डिंग्स, उसमें स्टोन का यूज़, ये एक कनाडा के टिपिकल बिल्डिंग से डिफरेंट टाइप है। अगर आप कनाडा में हैं तो और डिफरेंट हेरिटेज सिटी को देखना चाहते हैं तो किंगस्टन जैसी सिटी के अलावा आपको शायद और कोई सिटी ना मिले। ये ओटवा और टोरंटो के बीच पड़ने वाला शहर है।
जब किसी सिटी की शुरुआत एज कैपिटल होती है तो वहाँ पर आर्मी, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन और वहाँ पर जेल का होना लाजमी है, क्योंकि ये कैपिटल थी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जेल भी बनी जो डिफरेंट पार्ट के क्रिमिनल्स को या POWs को यहाँ पे रखा जाता था। पर आज ये जेल एक म्यूज़ियम का काम कर रही है और यहाँ पे आपको गाइड लेकर किस जेल के बारे में देखे जा सकता है। डिफरेंट टाइप के सेल्स, डिफरेंट क्रिमिनल्स के लिए डिफरेंट टाइप के सेल हों और उनकी कैसे फोर्टिफिकेशन या सिक्योरिटी रखी गई, उनकी क्या फैसिलिटीज़ थी, इस जेल के अंदर आके एक फीलिंग मिलती है। ये बहुत देर पुरानी जेल, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्पोर्टेंट है। इस जेल के अंदर आप एक फीलिंग ले सकते हैं कि जेल कैसे होती है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट रॉयड्स भी हुए और उसके बाद में ये धीरे धीरे जेल बंद कर कर इसे म्यूज़ियम के रूप में बदल दी गई। आज ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेस है, ना कि एक जेल है। ये शहर पुराना है, अपने हेरिटेज को लेके चल रहा है। एक्टिविटीज़ एजुकेशन, कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन और मिलिट्री कॉलेज के कारण ये एक बेहद ही इम्पोर्टेंट शहर है। ओटावा और टोरंटो के बीच में पड़ने वाला शहर, इसलिए लोग यहाँ पे एज विजिटर भी काफ़ी आते हैं। आप कभी इस तरफ आएँ ऑन्टेरियो में, कनाडा में, तो किंगस्टन एक अच्छी लोकेशन है। आप यहाँ पर रह भी सकते हो, कुछ टाइम बिता भी सकते हो और एक ब्यूटीफुल शहर को देख के अपना टाइम पास भी कर सकते हो।